नमस्कार दोस्तों, आपने सरफरोश फिल्म में देखा होगा गुलफाम हसन को और मेमने को। नहीं देखा था तो आज वो दिखाता हूं। तो एक गुलफाम हसन और मेमने की कहानी ये है। गुलफाम हसन क्या करता है, सर फिल्म सरफरोश जरूर देख। बिल्कुल उसी तरीके से नरेंद्र मोदी मेमने को तो प्यार दिखा और फिर कत्ल करते हैं इस देश का, इस देश की विचारधाराओं का और इस देश की संस्कृति का। जी हाँ, यह आज सवाल खड़े हुए कि नरेंद्र मोदी आखिर किन किन चीजों का कत्ल करना है। सबसे पहले शुरुआत इसी से कर कि नरेंद्र मोदी ने एक बात कही जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा, भाषा व्यक्तित्व का साधन होती है, वह जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसी ही भाषा में भी चेतना होती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये शब्द उन्होंने कहे। यह बात भारत का दूरदर्शन, डीडी न्यूज जिसे कहते हैं, वो एक वो बना करके प्रसारित कर रहा है। चलिए, डीडी न्यूज ये बता रहा है कि मोदी ये कर रहे हैं। तो भाषा क्या होती है और क्या होता है, यही बता। याद करिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपकी जमीन बंटवा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे और न जाने क्या क्या, कि किसने कहा था। किसने कहा था कि वो कपड़ों से पहचाना जाता है, किसने कहा था, किसने इस देश के अंदर यह सब फैलाया और न जाने क्या क्या शब्द कहे, कितने शब्द कहें। कोई जात पूछता है, कोई कुछ और कहता है कि, तो आप इससे समझ लिए कोई डीएनए की बात करता है। बहरहाल, यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की भाषा है, जो उनके हिसाब से अभिव्यक्ति का साधन होती है, लेकिन यह जड़ नहीं। तो आप इससे समझिए कि इस स्थिति, बहरहाल आज इसी पे बात करता हूं। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे और नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, चुनाव प्रचार के लिए रैलियां कर रहे। बहरहाल, जब वो रैलियां कर रहे थे, तमाम वायदे कर रहे थे, तमाम बातें बता रहे थे, उसी पर आपसे आज चर्चा है। पहला, उन्होंने 100 दिन का अपना जो प्लान बताया था कि हमारी सरकार आने के बाद 100 दिन का प्लान, उस 100 दिन के प्लान में पूछिए उनसे, उन्होंने कहा था, तो क्या गरीब मध्यम वर्ग को कमर तोड़ महंगाई से राहत मिली, क्या बजट में उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया गया जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग बच सके। नहीं। क्या जम्मू और कश्मीर, खासकर जम्मू में आतंकवादी जो हमले हुए, वहां आज कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। तो जब आतंकवाद खत्म हो गया है, तब जम्मू, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर में 2 हमारे सैनिक शहीद हुए और न जाने कितने। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री की जिस दिन से शपथ लेते हैं, उस दिन से लेके अब तक 2 दर्जन से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो चुके और करीब 50 नागरिक और दूसरे पुलिस और दूसरी सेवाओं के लोग मारे जा चुके। यह उपलब्धि है इन 100 दिनों की। तो जम्मू कश्मीर और अब जम्मू भी, जो कभी नहीं होता था, वो आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
शहादत देनी पड़ रही, नहीं देनी पड़ रही है क्या? 16 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर जलने के बाद प्रधानमंत्री 500 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जहां वायदे करके आए थे कि मैं आपके लिए सब करूंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपका, तो क्या एक बार भी इन 500 दिनों में वो गए? नहीं गए। अदानी अंबानी की बात करते हैं तो उनके जो घोटाले हैं, जो सेबी प्रमुख माधवी विच के घोटाले हैं, जिन पर रोज बर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई बातें आ रही, नए तथ्य आ रहे हैं, नए सबूत आ रहे हैं, बावजूद इसके क्या उस पर एक बार भी संज्ञान लिया है? क्या उसकी जांच शुरू कराई है? उनसे सवाल जवाब किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। वो अपना पैसा भारत में नहीं, जो ये तमाम तरह से उन्होंने अवैध पैसा कमाया, वो पैसा वो चीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए उस चीन की कंपनियों में, जो चीन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी चुनौती, हमारे यहां के रोजगार के लिए भी, उद्योग धंधों के लिए भी, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी, और हमारे देश की सीमाओं के लिए, वहां वो इन्वेस्ट करती है। क्या उस पर उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। और उनका अपॉइंटमेंट सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है, किसी और ने नहीं किया, इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद नीट पेपर लीक हुआ, दूसरे और पेपर लीक हुए, पेपर लीक की श्रृंखलाएं चल रही हैं, क्या उस पर कोई ऐसा कदम उठाया, कोई कार्रवाई की, कोई जांच की? नहीं की। असल में आई वॉश किया है, बचाने का काम किया है अपराधियों, असली अपराधी बचाए गए, तो यह स्थिति, युवाओं के भविष्य से खेला गया है। फिर भ्रष्टाचार मॉडल देख लीजिए, गुजरात में एक पुल 42 करोड़ का बनता है, कहा जाता है ये 100 साल चलेगा, और 2 साल में ही वो धराशाही हो जाता। अब उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूत करके, तोड़ करके दोबारा बनाने के लिए जो सिर्फ तोड़ने तोड़ने का ठेका दिया गया, वो 52 करोड़ का, ये गुजरात मॉडल है। तो इसी मॉडल पे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाई गई, उनके दुर्ग पर लगाई गई थी, और उसके बाद उसमें हजारों करोड़ जो खर्च हुए उस प्रोजेक्ट में, वो आज धराशाही है, धूल धूसरित है। इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। तो आप बताइए, इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था, फिर उसका लोकार्पण किया था, उसकी छतें टपकी, सब कुछ हुआ, क्या उस पर कुछ किया? राम पथ पे जिस तरीके से राम पथ धराशाही हो गया, क्या उस पर कुछ किया? क्या वो गुजरात की कंपनी जिसने वहां पर ट्यूब लाइट्स लगाई थी, असल में वो लाइट्स लगी ही नहीं थी, वो चोरी करके पैसा ले गए और लाइट्स लगाए नहीं और चोरी की बात कहे, तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, क्या उस पर कुछ किया? नहीं किया। फिर आप देखिए, तमाम सड़कें जो धस गईं, तमाम सुरंगें धस गईं, तमाम और लोग उसमें मरे, और जिस तरह से मौत हो रही है, चाहे दिल्ली में हो, लुटियंस जोन में लोग मरे, और जो कि सीधे नरेंद्र मोदी के अंडर आता, और उसके बाद में आज उनकी डबल इंजन की सरकार वाले फरीदाबाद में एक बैंक मैनेजर और उसका कैशियर दोनों मर गए, इसलिए क्योंकि जल भराव इतना हो गया था। तो वहां नगर निगम किसका है, क्या हुआ, क्या नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उन पर कार्रवाई हुई, या गुड़गांव में ऐसे ही मरे थे, उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो यह आप जान, ऐसे ही गुजरात में हो ही रहा है, गुजरात की बात ही मत करिए, वही मॉडल है। इसके बाद में
रेल की सुरक्षा की बात हुई थी, इस पर हजारों करोड़ खर्च किया गया, क्या रेलें सुरक्षित हुई? रोज ब रोज रेलें डिरेल नहीं हो रही हैं, अपना टूट नहीं रही हैं, लड़ नहीं रही हैं, या वो बीच से अलग नहीं हो जा रही? क्या नहीं हो रहा? इतने लोग जो मर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी ली? इस पर कोई उत्तरदायित्व दिखाया? नहीं दिखाया। फिर जब जनता और इंडिया की पार्टियां आपसे वक्त बिल जो है वक्त बोर्ड का बिल को लेकर के जेपीसी के हवाले करना पड़ा, तब आप ऐसा बिल मनमानी कैसे लेके आए बगैर जनता की राय के? बगैर जनता की राय के यूपीएस वाला यूटर्न आपने क्यों लिया? और फिर लिटरल एंट्री पर आपने संविधान के विरुद्ध क्यों किया? क्यों आरक्षण छीनने का काम किया? और क्यों आपको यूटर्न लेना पड़ा? और 100 दिन का आपका एजेंडा क्या हुआ? यह मैं क्यों पूछ रहा हूं? यह इसलिए पूछ रहा कि आज नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे। हरियाणा में वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने किसानों और जवानों को धोखा दिया। किसानों को धोखा, 750 किसान जब मरे, उनकी शहादत हुई क्या? उस पर आपने, जब राहुल गांधी संसद में प्रस्ताव लेकर के आए शोक का, तो क्या आपने या आपके पार्टी के लोगों ने उस पर शोक व्यक्त किया? नहीं किया। आप तो सेम सेम के नारे लगा रहे, यह है आपका चरित्र। तो किसानों के ऊपर लाठी चलाने, गोली चलाने सबका काम आपने किया, उनके हक छीनने का काम आपने किया, उन्हें जीएसटी के जाल में फंसा देने का काम आपने किया। इसके बाद किसानों का बोझ कि जब आप बात करते हैं, आप जब जवानों की बात करते हैं, तो जवानों को अग्निवीर किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया, भाजपा ने बनाया। और तमाम जो सेना में काम करने वाले लोग हैं, उनके हक किस तरह से छीने गए हैं, किस तरीके से उसमें अडानी अंबानी और दूसरे लोगों को घुसाया गया है, कैसे उसकी सब कुछ कब्जा किया गया है, यह किसी से छिपा है क्या? क्या यह भी छिपा है कि जो आप कहते हैं कि भाजपा सरकार ने किसानों का बोझ अपने ऊपर लेने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उल्टा बोझ में दाब दिया है? झूठ बोला है आमदनी डबल करने के नाम, और यहां कहते हैं कि हमने बोझ कम कर दिया। फिर कहते हैं कांग्रेस की एक ही नीत है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। जनता का खजाना चुनाव जीतने के लिए किसने खाली किया? आपने किया है। भारत पर जो कर्ज 55 लाख करोड़ का होता था 2014 में, 1947 से लेकर 2014 तक सब मिला, और सिर्फ नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में उस पर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा। यानी देश का खजाना आपने बर्बाद किया, और वो पैसा कहां गया? वो अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों की जेब में गया। तो यह आपने किया है, उन्होंने नहीं। उन्होंने तो जनता पर पैसा खर्च किया, किसान पर पैसा खर्च किया, कामगार पर पैसा खर्च किया है, सोशल सिक्योरिटी पर पैसा खर्च किया, महिलाओं पर पैसा खर्च किया। अब इसके बाद कांग्रेस एक ही नीत, चुनाव जीतने के लिए, कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी और कोई नहीं। यह पूरा देश जान चुका है कि देश के साथ अब तक जितने धोखे हुए हैं, जितनी बेईमानी हुई है, वो सब भाजपा ने की। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, 10 लाख भी नहीं दे सके। उल्टा इस देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि जो ऐतिहासिक है, बेरोजगारों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई, सॉरी 90 करोड़ से अधिक हो गई। और 90 करोड़ से अधिक हो गई हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या किया है आप। रोज हर घंटे 2 से 3 युवा अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। किसान अपनी जिंदगी
हर घंटे दो किसान अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है क्योंकि उसको हक नहीं मिल रहा। लड़कियां अपनी जिंदगी खत्म कर रही हैं क्योंकि उनके साथ लगातार हर तरह का अपराध और क्राइम। और इसके बाद कहते हैं राहुल गांधी ने वायदा किया था खटाखट 8500 रुपया दिएंगे, क्या दिया? तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बना कि आप बन, देश की जनता ने आपको 240 सीट दी, आपने बैसाखी लगा के सरकार बनाई तो आप देते, राहुल गांधी को बनाते तो राहुल गांधी देते। तो क्या इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनी? नहीं बनी। तो फिर वो विपक्ष में है, जब पक्ष में आएगी तो देगी। आपने दिया, आपने कहा था देश के युवाओं को आप रोजगार देंगे प्रथम नौकरी की तरह से, आपने उसकी नकल की थी और कहा था कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से देंगे, वो भी नहीं आपने दिया, उल्टा प्राइवेट सेक्टर ने नौकरी से निकाल दिया। सिर्फ अंबानी ने अपने यहां से 52,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर, और इस देश की तमाम कंपनियों ने मिलकर के 1,00,000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया 1 महीने। इस देश की आईटी 422 आईटी कंपनियों ने इस देश के 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया 1 महीने। तो यह है सत्य। चलिए अब आइए, आप गए कश्मीर, तो कश्मीर में सवाल वही, प्रधानमंत्री ने कहा डोडा में कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया, तो चुनावी मुकाबला इस बार कश्मीरी नौजवानों के बीच। बिल्कुल है, कश्मीर में 10 साल से आप सरकार में, आपने हिंदुस्तान में 2nd नंबर पे सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया है कश्मीर को, और जब दूसरी कांग्रेस की रही हो या एनसी की रही हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की रही हो या किसी की रही हो, उन सरकारों में बेरोजगारी नहीं थी और आपने है बेरोजगारी में ढकेला है। फिर वहां पर जो बर्बादी की है, जिस तरीके से वहां के एसेट्स को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को कब्जा कराया है, आपने कराया है, वहां के बागवानों को जो बागवानी में पूरा आपने कारपोरेट का कब्जा कराया है, अदानी का कब्जा कराया है, वह है सेब सड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और उसके बाद वहां की आतंक में झोंकने का काम आपने किया है, कश्मीरी पंडितों पर टारगेट किलिंग आपके समय में सबसे ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, पुलिस जन शहीद हुए हैं, वहां के नागरिक शहीद हुए। तो यानी आपने उसको बर्बाद किया है, किसी और ने नहीं, आपने सिर्फ झूठ बोला है, धोखा दिया है, बेईमानी की है, यह सत्य है। फिर जब इस तरह की स्थिति होती है, आप सत्ता के लिए क्या करते हो? आतंकवादी के नाम पर, आतंक के नाम पर गिरफ्तार किए गए इंजीनियर राशिद को मदद करते हो, उसकी मदद के लिए आप प्रत्याशी नहीं उतारते हो कश्मीर, और वो जीत जाता है, उसको बेल दी जाती है बार बार, लेकिन उमर खालिद को बेल नहीं दी जाती। 4 साल से उसके खिलाफ कोई आरोप अब तक नहीं आ पाया है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, उसको बेल नहीं दी। क्यों? उमर खालिद आएगा तो आपको फायदा नहीं, लेकिन इंजीनियर राशिद आएगा तो कश्मीर में वो वोट काटेगा और वोट कटुआ का काम करेगा और वो भाजपा की बी टीम की तरह से नजर आएगा, इसलिए बेल मिलती है। आप बेल नहीं मिलने देते हो हेमंत सोरेन को, आप बेल नहीं मिलने देते हो अमृतपाल को, आप बेल नहीं मिलने देते हो और तमाम अल्पसंख्यक उनको, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एन चुनाव के वक्त में बेल मिल जाती है, लोकसभा में भी मिलती है,
चुनाव प्रचार के लिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में। और अब मिल जाती है जब आप चीफ जस्टिस के यहां गणेश वंदना करने जाते हो, वंदना नहीं एजेंडा सेट करने जाते। क्यों? क्योंकि वो हरियाणा में आके प्रचार करेंगे तो कांग्रेस के वोट काटे और आपकी सरकार बरकरार रह जाए, जैसे गुजरात में आपने किया था, जैसे गोवा में आपने किया था, जैसे उत्तराखंड में आपने किया था, जैसे असम में आपने किया, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने करवाया। तो यह इस बात का सबूत, तो आपको यह है आपका वास्तविक चेहरा, ना आपकी भाषा सही है, ना आपका चरित्र सही है, ना आपकी चाल सही है, ना आपके वायदे सही हैं और ना आपकी बात सही, यानी सब झूठ। तो झूठ का नाम नरेंद्र मोदी। यह बात हरियाणा की महिलाएं कह रही। जय।